तो फ्रेंड्स, कभी आपका भी मेकअप कंप्लीट होने के बाद आप मस्करा अप्लाई कर रहे हो एंड मस्करा आपके फेस पे गलती से गिर जाता है। मेरे स्टूडेंट ने काफ़ी मेकअप अच्छा किया था, आप देख सकते हो आईज के आसपास, आईज के अलावा बाकी सारा फेस काफ़ी अच्छा है, बिल्कुल नेचुरल कैमरे से ले रही, बट आप आईज के पास देखो। तो यहाँ पे इन्होंने क्या मिस्टेक की वो आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। ये छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं जिसकी वजह से हमारा मेकअप बेकार हो जाता है। जैसे आपने कभी मस्करा, अक्सर मस्करा लगाते टाइम लोगों का मस्करा आसपास के एरिया पे गिर जाता है, तो इसका, इसके लिए भी वीडियो मैंने अलग से डाली हुई है कि किस तरीके से आप मस्करा अप्लाई करोगे तो आपका ऑलमोस्ट मेकअप ख़राब नहीं होगा। पहले तो मैं एडवाइस देती हूँ कि आप लोग आई मेकअप कंप्लीट करने के बाद ही फेस का मेकअप स्टार्ट कीजिए, बट कई सारे केसेस में हमने फेस मेकअप कर दिया और हमें मस्करा की ज़रूरत पड़ती है, तो उस टाइम पे आप किस तरीके से मस्करा अप्लाई करोगे तो आपका मस्करा बिल्कुल भी निकलेगा नहीं, आपके मेकअप को ख़राब नहीं करेगा। ये मैंने अपनी स्टूडेंट को भी समझाया था बट ये मानने वाली नहीं है। पूरा मस्करा निकाल के डायरेक्ट अप्लाई करो और फैल जाए। फिर उन्होंने यहाँ का प्रोडक्ट जो मस्करा गिरा था उनको साफ़ किया, उसके बाद से क्या गलती की कि मेरा ये इस तरीके से केकी हो गया है, लाइंस पड़ गए हैं। तो आप भी ये चीज़ ध्यान से सुन लीजिएगा, जब भी आप कहीं का भी मेकअप हटा रहे हो और फिर अप्लाई कर रहे हो मेकअप, तो जैसे हमने मेकअप हटाया, पहले तो हमने प्राइमर, मॉइस्चराइज़र सब कुछ अप्लाई किया था जब मेकअप रिमूव करते हैं एंड थोड़े से एरिया के लिए, और फिर बिना मेकअप एंड प्राइमर लगाए हुए ही डायरेक्ट फाउंडेशन अप्लाई करके पाउडर अप्लाई कर दिया, इसकी वजह से ये हुआ है। तो आपका, आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, जब भी आपका मेकअप ख़राब हो, कहीं से आपने मेकअप रिमूव किया है, तो वहाँ पे पहले थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र या प्राइमर, दोनों चीज़ लगाने की, जो एक भी चीज़ लगा के आप करोगे तो अच्छे से हो जाएगा और इस तरीके से ड्राई पैचेस नहीं पड़ेंगे। तो आप मॉइस्चराइज़र या प्राइमर लगा के फिर फाउंडेशन अप्लाई करके पाउडर अप्लाई करो, देन हाइलाइटर, तो आपका मेकअप बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो ये तो ख़राब हो चुका है तो मैं इसको रिमूव करने जा रही हूँ, तो ध्यान दीजिएगा मेकअप रिमूव करने के बाद से प्राइमर मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाइए और फिर अपना आपका मेकअप फिर से जैसे आपका पूरे फेस का मेकअप है वैसा ही होगा, इस तरीके से नहीं बनेगा। आ जाइए, किसने ख़राब किया है वही बोल रही है और पीछे से चीटी काट रही है कि मेरी इतनी ज़्यादा बेइज्जती मत करिए भाभी। ओके, तो क्लियर हो गया, आपका मस्करा लगे, आपने मेकअप रिमूव किया तो मॉइस्चराइज़र या प्राइमर लगाने के बाद ही आप कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट अप्लाई करो, तो आपको इस तरीके से लाइन, रिंकल्स या फिर ड्राई पैचेस नहीं पड़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।